की बड़ी खबर आ रही है मऊ से, जहां एक मिनी बस के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से लगी आग। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको, जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां आज 11 मार्च 2024 को जनपद गाजीपुर के मरदाहा से एक हृदय विदारक खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मरदा के महारे गांव के पास बारात जा रही एक मिनी बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसमें कई लोगों के जिंदा जलकर मरने की खबर आ रही है। बस में बैठे व्यक्ति कुछ समझ पाते तब तक मौत उनको अपने आगोश में ले चुकी थी। बारात को लेकर बताया जा रहा है कि जनपद मऊ के रानीपुर ब्लॉक अंतर्गत खिरिया गांव निवासी नंदू पासवान अपनी बिटिया की शादी के लिए एक बस में अपने नात रिश्तेदारों के साथ मरदा स्थित महारे धाम शिव मंदिर पर विवाह के लिए जा रहा था, किंतु महारे गांव के पास पहुंचते ही हाई टेंशन की चपेट में बस आ गई और यह हादसा हो गई। बताया जा रहा है कि उक्त बस में दुल्हन भी बैठी थी। उक्त घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर एक संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। अभी पानी मिलेगा बेटा, पानी मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा जगह बनाया, तीन करना है भाई, पूरा दिन ले पूरा आदमी मर गई ना, कहाँ से पता ना, कहाँ से मसूर बताओ था ना, ये मारो ये मंदिर को लेकर बैठे ना, सुलाई के लेके देते जाते ना, सुलाई की ले रहा ये बस आ रहा है क्यों भाई, मैं तो अंदर ना घुसा लगाओ मैं पूरा भर ले मर दो बस जनता से। अरे सुत के बोनी मोर मका पूरा सब मर गेलो, भरल रे बस आदमी जगरा के मरल। हां हां गेटो पर देखा छी, चल चले कर और सपोर्ट कर दो, ये बात छोड़ कर और पहला दिन एक लड़का को लाइन कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचे आपका मेरा नमस्कार, नमस्कार।
अभी साथ ही आए थे आगे पढ़ो ना ये गलत नहीं लग गया था अगर उस तरह से छोड़ दे तो ये गलत नहीं होता। अरे भाई ये घटना थी नहीं होनी चाहिए जो व्यवस्था मंदिर की जमीन है तो पैसा लेना जरूरी है या ये क्या मामला है। देखिए आज 11 मार्च 2024 थाना रानीपुर अंतर्गत एक क्रिया गांव है यहाँ का कुछ लोग बस से गाजीपुर जा रहे थे शादी कराने के लिए उसमें अचानक बस का एक नाइट टेंशन वेयर में कांटेक्ट में आते हुए बस में आग लग गई थी काफ़ी लोग सुलझ गए। अभी इसमें दो लोग का एक अडल्ट है एक बच्ची का यहाँ इलाज के चलते इलाज हो रहा है मेरे द्वारा अभी इसको दोनों से मिलके और अभी डॉक्टर से दोनों से मुलाकात हुई अच्छे से अच्छे वो ट्रीटमेंट करने के लिए अनुरोध किया बाकी जो भी आएंगे उन लोगों के लिए अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए। सर जिले में अभी कितने लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए वो एग्जैक्ट सूचना तो नहीं है क्योंकि घटनास्थल गाजीपुर में है अभी तक दो लोग यहाँ पहुँच गए दोनों का इलाज चल रहा है।